हमारा हिमाचल में आपका स्वागत है। राजधानी शिमला में पहले रविवार को बाजार बंद रहते थे, लेकिन त्योहारों के सीजन में व्यापार मंडल ने मांग उठाई थी कि रविवार को भी मार्केट खोलने की सरकार अनुमति दे। अब ऐसे में बाजारों में बाकी दिनों के मुकाबले रविवार को भारी भीड़ उमड़ी, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब शिमला में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे प्रशासन एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुका है और रविवार के दिन सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें खोलने के आदेश दिए गए हैं, जिनमें लोग दूध, दही, दवाई और जरूरी चीजों को ही खरीद सकेंगे। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई नियमों की अवहेलना करेगा तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि बढ़ते संक्रमण के चलते कदम उठाए गए हैं। शिमला जिला प्रशासन ने कदम उठाया है, रविवार को बाजार बंद करने के आदेश दिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी आ रही है अब? जी बिल्कुल, देखिए दीपशिखा, बाजारों को बंद किया गया है रविवार को, और पहले से ही रविवार के दिन बाजार बंद रहते थे, लेकिन कोरोना नहीं था तो प्रशासन की ओर से ज्यादा सख्ती नहीं होती थी, और जब से कोरोना आया उसके बाद से सख्ती की गई और बाजारों को बंद किया गया, क्योंकि साप्ताहिक एक छुट्टी होना जरूरी है। ऐसे में इन नियमों का पालन करने के लिए तमाम दुकानदारों को कहा गया था, लेकिन उसके बाद त्योहारी सीजन आया और त्योहारी सीजन में कहा गया, व्यापार मंडल ने यह मांग रखी जिला उपायुक्त के सामने कि दुकानों को खुला रखा जाए, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है और कोरोना के वजह से एक मार पड़ी है छोटे व्यापारियों को, उनकी जो सेल है, उनकी जो बिक्री है, उस पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे में जिला प्रशासन उन्हें ये अनुमति दे कि रविवार को भी दुकानें खोली जा सके। इसके बाद जिला उपायुक्त ने और जिला प्रशासन ने ये उनको परमिशन दी, ये अनुमति दी कि आप रविवार के दिन भी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन ये जो नियम थे, ये कानून थे, ये 15 नवंबर तक इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। 15 नवंबर के बाद आज जब रविवार का दिन आया तो आज जो है रविवार के दिन दुकानें बंद रखी गई हैं और शिमला का बाजार पूरी तरीके से आज बंद है। कोरोना से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आज शिमला में आलम यह है कि आज भारी भीड़ जो है पर्यटकों की राजधानी शिमला में देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो है रविवार के दिन दुकानें बंद करने का फैसला लिया था, और आज जमकर पुलिस जो है वो मजबूरन चलान भी कर रही है, क्योंकि लोग जो अच्छे से मास्क नहीं लगा रहे हैं, और आज चलान अभियान भी यहाँ पर जो है शिमला में चलाया गया है। इसके अलावा दबी आवाज में व्यापारी ये भी मांग कर रहे हैं कि जो साप्ताहिक छुट्टी है सप्ताह में, क्योंकि एक सप्ताह एक दिन की छुट्टी होना जरूरी होती है, ऐसे में इस छुट्टी को रविवार के दिन ना करके सोमवार या मंगलवार के दिन किया जाए, ताकि जो भीड़ है उसका फायदा व्यापारी उठा सके और व्यापारी जो है अपनी सेल को बढ़ा सके, रविवार के दिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। लेकिन फिलहाल जो शिमला के जिला उपायुक्त हैं वो कोरोना की चपेट में और ऑफिस नहीं आ रहे हैं, कार्यालय नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब वो वापिस आएंगे तो इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि व्यापारी जाएंगे और रविवार के दिन दुकानों को बंद ना करके किसी और दिन साप्ताहिक छुट्टी दी जाए, ताकि जो है उनकी सेल बढ़ सके, उनकी बिक्री बढ़ सके। ये मांग व्यापारी आने वाले समय में कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना का जो दौर था 6 महीने लगभग व्यापार ना के बराबर था। शुरुआत में तो व्यापार बंद रहा, उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया चली उसमें भी व्यापार कुछ ज्यादा गति नहीं पकड़ पाया था, लेकिन बाद में जैसे ही त्योहारी सीजन आया व्यापार ने एक बार फिर गति पकड़ी, और जो गति थी इसने व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। और रविवार के दिन जो छुट्टी हो रही है मुस्कान को थोड़ी सी धीमी कर रहा है, इस धीमी और मध्यम मुस्कान का कारण है रविवार के दिन की छुट्टी। अब ये मांग उठाई जाएगी कि रविवार के दिन छुट्टी ना दिया जाए, किसी और दिन छुट्टी दी जाए, ताकि व्यापार जो है वो गति पकड़ सके। दीपशिका, बिल्कुल अंकुश, लेकिन जिस तरह से जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, रविवार एक वीकली ऑफ के तौर पर देखा जाता है, ज्यादातर लोगों की छुट्टी इस दिन होती है, ऐसे में अगर रविवार बदल कर किसी और दिन को इस तरह से रखा जाता है छुट्टी के तौर पर, तो वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ज्यादा भीड़ रविवार को ही हो सकती है। ऐसे में रविवार दिन एक तरीके से देखा जाए तो सही दिन चुना गया है। अंकुश और दीपशिका, एक तौर से देखा जाए तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रविवार का दिन सही है, लेकिन ये भीड़ पर किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं पा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि रविवार के दिन बाजार बंद होने के बावजूद भी शिमला में भारी भीड़ लगी हुई है। मेन इसमें जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि भीड़ को रोका जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की जा सके, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में जो जिला प्रशासन है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो रही है। सरकार और प्रशासन केवल अपील कर रहा है कि आप अनावश्यक कार्यों के लिए घरों से बाहर ना आए, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जैसा कि मैं हर रोज बोलता हूं कि लोगों के कारण जो है, जो लोग सहयोग नहीं कर रहे उससे जो है वो कोरोना बढ़ रहा है। इस तरह से सरकार और प्रशासन की हल्की ढिलाई है और लोगों की लापरवाही है, ये कोरोना के मामलों को लगातार बढ़ा रहा है। अगर नवंबर के महीने की बात की जाए तो 22 दिनों के अंदर 11,000 के लगभग मामले जो है वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं,
ऐसे में कितनी गंभीर स्थिति है, इसमें व्यापारियों को भी समझना चाहिए, आम आदमी को भी समझना चाहिए और सरकार प्रशासन को भी समझना चाहिए। स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रही है, स्थिति बेहद गंभीर है। समझने की आवश्यकता है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। ऐसे में रविवार के दिन छुट्टी करना कहीं ना कहीं एक सही फैसला हो सकता है, लेकिन व्यापारियों की फिलहाल मांग यही है कि छुट्टी को रविवार के दिन से बदला जाए, इसे सोमवार या मंगलवार को किया जाए, ताकि जो लोगों को लोग जो बाजार में आ रहे हैं उसका फायदा जो व्यापारी उठा सके। जी अंकुश बाबा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जागरूक होना सभी को बेहद जरूरी है, क्योंकि हिमाचल में एक बार फिर से जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ने लगा है, और ऐसे में अब रविवार को बाजारों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते ये कदम उठाया गया है।